अब एक हैरान करने वाली तस्वीर आई है दिल्ली से सटे नोएडा से। वाकई में सेक्टर 62 की घटना, एक युवती की गोली मारकर हत्या की गई है। ये वारदात सेक्टर 62 के शताब्दी विहार बेसमेंट की है। तीन बड़ी तस्वीरें इस वारदात की आपके सामने हैं। ये पूरी की पूरी वारदात कैमरे में कैद हुई है। अपार्टमेंट में मर्डर की वारदात को अंजाम दिया जाता है और सेक्टर 62 जो इलाका है नोएडा का, वहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस युवती का नाम बताया जा रहा है अंजलि, जो कि हरियाणा की रहने वाली थी, नोएडा की एक निजी कंपनी में काम किया करती थी। अंजलि शताब्दी विहार अपार्टमेंट के फ्लैट में रहती थी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची है, पड़ताल शुरू हो चुकी है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि हत्या क्यों हुई है, किसने की है और किस मकसद से इस वारदात को अंजाम दिया गया। सवेरे ये सूचना मिली कि इस कॉलोनी में उसकी गोली मारकर हत्या हो गई है। गोली की जानकारी होने पर उसके दोस्त वगैरह उसे ले गए हॉस्पिटल, लेकिन डॉक्टरों ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। मौके पर आने के बाद जो स्थितियाँ हैं, हमारा प्राइमरी फसाई तो ये है कि इस कॉलोनी के भीतर जहाँ गेट पे ही एंट्री होती है, तो सवेरे जो दो तीन घंटे में लोग आए हैं घटना से एक घंटे पहले के आसपास, उनके ऊपर हम जीरोइंग कर रहे हैं। दूसरा, इस पीजी में 7 लड़कियां रहती हैं, एक अपने घर गई हुई है, 6 यहाँ मौजूद थी जिसमें से एक की डेथ हो चुकी है। उनसे बातचीत करने पर कुछ ऐसा तथ्य निकल कर आ रहा है जिससे ये लग रहा है कि ये लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है, कहीं संभव है कि उसके द्वारा ये घटना नकारित की गई हो।